मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 9 एंड ये देखो ठंडी कितनी, हम लोग फ्रेश भी नहीं हुए अब तक। ठंडी देखो कितनी है, पूरा बादल बादल है। मार्च का महीना चालू होने को आया, बट इधर देखो कैसे बादल वेदर है। मस्त मजा आ रहा है, फ्रेश हो रहे हैं अभी। ये कौन किधर जा रहा है देखो, तो ये देखो ठंडी की वजह से लगाई हमने कुछ आँख। अभी थोड़ा सा छीक वाक्य लिखे रहे, देखो ओहो ठंडी के मजे ले रहे हम लोग, ठंडी के मजे। ये पीछे बैकग्राउंड का म्यूजिक चल रहा है, उसको कट करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा चला रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बंद कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चला रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बंद कर रहा हूँ। देखो वाइब लिए जा रही है विलेज वाली। पीछे चूल्हा जल रहा है, नीचे हमारी चाय खाने के लिए खा रही है। यहाँ पर आसपास में शादी है तो उसके वजह से ये गाना भी ना चल रहा है। आपको दिखता रहेगा तो शायद वेपर्स है, वेपर्स कुल्लू मनाने वाली फीलिंग है यहाँ पर। इसके बाजू में बैठा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ठंडी लग रही है बेड़ू ठंडी, इसलिए इसका हाथ पे से सीखा लिया जा रहा है। सुबह के बज रहे अभी शायद से 9, फ्रेश होने का, अंधेरा आ गया, फ्रेश होने का, पानी भी गर्म हो रहा है ऊपर, फुल देसी स्टाइल। चलो अपने साथ एक नया मेंबर आ गया है। क्या है तेरा नाम, क्या है? चिराग। हाँ किधर है तेरा स्कूल, किधर है? नारा बारवाड़ी किधर है? ये सब कौन सा गाँव है? कौन सा स्कूल है ये सब? हाँ क्या कर रहे हैं हम लोग इधर? पानी क्या कर रहे हैं? पानी क्या कर रहे हैं? अरे बताना क्या कर रहे हैं? क्या इधर देखते हुआ था? पीने के क्या पानी बोबला है तू? तू बोबड़ा है क्या? तू है। मैं नहीं है, बता मेरे को। दोपहर के बज रहे 3 और हम लोग जा रहे हैं जरा काम से बाहर, गाड़ी लेके जाने वाले। अब भी अपने को है काम, जाना है सत्यम भाई को छोड़ के वापिस आना है मेरे को नीचे बाइक लेके। हाँ गोरा चिट्टे कैसे दिखने लग गया मैं इधर आके, काला तो हो ही जाएगा मैं घंटे, काला हो जाएगा मैं 100%। निकल गए, सत्यम भाई चला रहा है अपनी गाड़ी। और ये रास्ता है ना थोड़ा डेंजरस बोल सकते हैं। ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर है ना लॉरीज वगैरह आ जाती है सामने से। मैंने आपको शायद से बताया था इसके पहले भी, बट यहाँ पर है ना ज़्यादा लॉरीज वगैरह आ जाती है। डायरेक्ट देखो ऐसे कैसे टर्न है यहाँ पर, देखोगे ना, देखो ये कैसे एस टाइप वाला टर्न आ जाता है, तो उसमें समझ में नहीं आता कि सामने से कौन आ रहा नहीं आ रहा है। तो हम लोग को एक लॉरी वाला तो मिला था, बट वो एक्चुअली ये टर्न में ऐसे कुछ टाइप का टर्न था, वो इतना रिस्की नहीं था। बट दो दो अगर लॉरी आसपास से आ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। चल रहा है आराम से। यहाँ पर गांव में आने के बाद ये फीलिंग अच्छा होता है, एकदम रोड अच्छे होते हैं, सीनिक ब्यूटी अच्छी होती है और मज़ा आता है यहाँ पर आने के बाद। इसलिए मैं ना जब भी आता हूँ भाग के निकल आ जाता हूँ यहाँ पर। इसलिए मैं अभी कॉलेज से निकला और डायरेक्ट इधर पलटी मारी। लोगों को मालूम भी नहीं है कि मैं गांव में हूँ, लोगों को पता है कि मैं छुट्टी पे हूँ, बट उनको पता ही नहीं है कि मैं गांव में भी हूँ। ऑलमोस्ट अभी पहुँच ही रहे, ऊपर जाऊँगा इसको छोड़ूंगा और छोड़ के गाड़ी लेना पड़ेगा। उसके बाद आने टाइम में तो शूट नहीं कर सकता क्योंकि एक हाथ से गाड़ी कैसे चलाने का, और चलाने भी अच्छी नहीं होती है। आप भी मत चलाओ ये सब गाड़ी वगैरह ऐसे एक हाथ से, इट्स नॉट गुड। अभी जा रहे ऊपर, आधे रास्ते में आ चुके हैं, और भी और आधा
रास्ता अपने को कवर करने का। वी आर एवेंचुअली बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, ये गाड़ी हमने इधर लगा दी। बड़ा खतरनाक रास्ता है वैसे तो बोलेंगे तो, बड़ा ज़्यादा खतरनाक। टर्न 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 और ऊपर से लॉरी वाले जो होते ना क्रशर्स में डंपर्स वो थे, तो उसमें निकालना गाड़ी इम्पोर्टेंटली है कि आप इम्पोर्टेंटली ऐसे देखो कि आपको टर्न पे ध्यान रखना, क्योंकि आगे की बड़ी गाड़ी आज आपको दिखाई नहीं दे रही तो आप डायरेक्ट जाके क्रैश हो जाओगे। इसकी वजह से थोड़ा सेफली चलाओ जब गावा हो तो, क्योंकि बड़े हार्ड मुंबई वगैरह ठीक है वो तो सामने सामने सब दिख जाता है, बट जो दिखता नहीं है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अभी जा रहा हूँ ऊपर, थोड़ा पहाड़ी लगा ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। ऊपर जाता हूँ और मेरे को सोने गया, अभी सो रहा था इसने उठा के मेरे को लेके गया। चलो देखो, मैंने कल आपको बताया था कि एक चीज़ मुझे बतानी है जो मेरे कॉलेज वाले कर रहे हैं, वो थी ऐसे एक्चुअली कि मेरे कॉलेज में इलेक्शन हेल्ड हो रहे हैं, तो मेरे कॉलेज के कुछ लोग हैं, एक ही है समझ लो, मैं पूरा नहीं बोल सकता क्योंकि अगर किसी ने ये फॉरवर्ड वगैरह कर दिया तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, बट नहीं करना चाहिए ऐसे। सो एक वो है जो मेरे अपोजिशन में किसी और को भी खड़ा करना चाहता है, एज ए मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ एक ट्रेजरर पोस्ट के लिए, बट वो चाहते हैं कि वो उसके अपोजिशन में भी कोई तो खड़ा रहे, तो उधर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा कियोस क्रिएट कर रहा है, एंड वो ट्राई कर रहा है कि मैं कैसे तो कैसे स्टेप बैक कर लूँ, बट मैं नहीं करूँगा और मेरे को पता है हम जीत तो ज़रूर जाएंगे। सो ये कुछ चीज़ें मेरे को बतानी थी, मैं तो विस्तार में ना ये बताऊँगा जब जब फ्लो में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है जो आपको फ्लो में बता दे रहूँगा। अभी बज रहे शाम के 4:30 बज रहे, एंड अभी हल्दी को हम लोग को अटेंड करना है एज यूजुअल येलो पहना, पर दूसरा वाला येलो पहनना है मुझे क्योंकि ये पूरा येलो नहीं है, थोड़ा सा वाइटिश वगैरह है तो मैं वो पहनने वाला हूँ। एंड नीचे हल्द है यहाँ पर, और ये सामने देखो पहाड़ कैसे दिख रहे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सीनिक ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी। यहाँ से आप देखोगे ना ये यहाँ पर है और वो साइड भी कुछ पहाड़ दिखते हैं और मेरे ये साइड में भी कुछ पहाड़ दिखते हैं, मैं बाद में आपको दिखाता हूँ अगर उधर जाता हो तभी। एंड ये सब है ना बारिश के टाइम अगर मैं देखोगे यहाँ पर एक वाटरफॉल है, अभी दिखेगा नहीं इतना, यहाँ पर एक वाटरफॉल है, यहाँ सामने एक वाटरफॉल है, आपको मार्किंग दिखाई देंगे। देखो ये वाला एरिया देखोगे ना, ये सामने वाला ये वाला, तो ये आपको दिखाई देगा। अब ये मेरे फिंगर को कर रहा है डिटेक्ट, अपने को वही करने गए। बट ये हाँ, मेरे को एक्चुअली लेनी थी नींद, बट क्या है अभी वो सब चक्कर में है ना मेरा नींद छूट चुका है। अभी ये मेरे फ़ोन को मेरे को लगाना है चार्जिंग का, क्योंकि वो चार्जिंग ही नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 30-35% बैटरी बाकी, तो उसको मैं चार्जिंग को लगाता हूँ। इधर है नेटवर्क का इश्यू थोड़ा सा, घर में चार्जिंग करने के लिए डालो तो फ़ोन नहीं आएगा, बाहर लेके आओ तभी फ़ोन आ सकता है, तभी मालूम पड़ता है कि हुआ है कुछ तो हमारे साथ। मैं चार्जिंग को लगाता हूँ ये पहले। इधर गाँव में आने के बाद है ना बस अंधेरे में घूम रहा हूँ, रात होने के बाद लाइट ही नहीं मिलती, बट चांद अच्छे से दिखता है यहाँ पर। ये देखो चांद की ब्यूटी यहाँ पर आने के बाद मालूम पड़ती है वैसे तो। ये भी नहीं खुल रहा, इतना अंधेरा है कि वो अंधेरे में भी जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है भाई, अभी निकल के यहाँ पर आए, कुछ लोगों को कटिंग करना है बाद, कल शादी इसके वजह से, बट कटिंग के लिए गए नहीं अब तक ये लोग। मॉर्निंग टू एवरी वन, ब्लॉग हमारा एंड करना रह गया था, सुबह हो रही है एंड देखो कैसे सुबह होती है यहाँ पर, एकदम मस्त सीन है सुबह सुबह का। रात को एक्चुअली लेट हो गया सोने के लिए, इसके वजह से अभी ब्लॉग एंड नहीं कर पाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, मतलब आज मिलेंगे। और नहीं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड जाके हमारे नए वीडियोस भी देखो, पुराने वीडियोस भी देखो जो अच्छे हैं। अभी मिलते हैं आज ही डायरेक्ट नए ब्लॉग में।